सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। पार्टी के कौमांतरी प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान दी नूं बेनती करदा कि वह संगतां नूं संबोधन होणगे एक मिनट दे लई। आ किताब जिहड़ी है ये 1984 दे जिहड़ा एक एक दिन का पूरा खूनी साका है, एक तरीक तो 6 तरीक तक वह कविता दे राही सरदार मगर सिंह जी ने लिखा है। वह किताब बहादुर सिंह जी सारे सिंह साहब जी आप जी एक किताब जे आप जी ने लेनी भी होवे बार स्टाल ते भी मिलेगी। तो सरदार मगर सिंह जी नूं असी ਉਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਹੈ ਪਰ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 1984 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मतलब कि यह किताब जिहड़ी है इनैगोरेट करके सिख कौम की झोली पाई है। हुण मैं बेनती करदा सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान नूं कि वह डाइस ते आके अपने विचार संगतां नाल सांझे करन। बोले सो निहाल। सात संगत जी, निम्रता सहित आपनों फतेह अर्ज कर दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सारे नूं बहुत बहुत मुबारक है। साढ़े 20वीं सदी के लीडर संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया दे अज आपां हजारां की तादाद दे विच इत्थे पहुंचे हैं। साडे नाल इंडिया दे बहुत तकड़े लीडर वावन मेशराम जी, जिन्होंने सारे पछड़ियां जातां नूं, मुसलमानां नूं, लंगायतां नूं सारे नूं इकट्ठा करता। साडे कोले स्वामी कन्वेश्वर राम जी अप्पा साहब, वह भी विराजमान ने। कश्मीर हुरियत दी लीडर बीबी जमरूदा हमीद साहब, जिहड़े गलानी हुरियत दे बीबियां दे प्रधान ने, वह भी इत्थे हाजिर हैं। पादरी साहब ईसाई धर्म दे, वह भी इत्थे पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र सिंह जिहड़े कश्मीर दे विच साडा सिखां दा काम करदे हैं, हुरियत दे नाल मिलाप रखते हैं, वह भी विराजमान है। तो साडे अकाल तख्त के जथेदार भाई सिंह साहब, भाई ध्यान सिंह मंड, वह भी इत्थे विराजमान ने। सारे संत महापुर
चांदपुरा साहब कीदा कीदा नालमा जिथे मैं गल करन चलिए अमरीका दे लीडर इत्थे सारे आके बैठे है। अमरीका दी जथेबंदी ने यह सारे मिलाप कराए है ते मैं उन्हां दा भी सरदार बूटा सिंह दा धन्नवाद करदा। सो सत्कारयोग साध संगत जी गल्लां आपां करदे रहे हैं कि साडे नाल जबर होया पर जिहड़ी चलाकी दे नाल जिहड़ी शैतानी दे नाल साडे नाल जबर होया इहदी गल अज तक असी नहीं कर पाए। अज 30 साल हो गए है, 30 साल तो ज्यादा हो गए है। साडा इंडिया का नियम है कि जो 30 साल हो जान जिन्हें भी खुफिया फाइल मिसल सेंटर सरकार दिया पंजाब सरकार दिए उन्होंने खोलिया जाए। साड़ी अज मंग है कि जेड़ा मिसला हैगी है उन्होंने कढ़िया जाए लोगों के अगे रखा जाए जिदे नाल दुध का दुध ते पानी का पानी हो जाए। क्यों करके संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे नाल सिख कौम दे नाल दरबार साहब जिसने कोई जुल्म नहीं सी कीता अकाल तख्त साहब दे नाल जिसके उत्ते कोई जुल्म नहीं सी उन्होंने कीता उन्हां दे उत्ते इंदिरा गांधी ते होर सेंटर दियां पार्टियां ने इंडिया की फौज सोवियत यूनियन की फौज ते बरतानिया की फौज चाढ़ के साड़ी जिहड़ी नवी पुंगरदी हुई लीडरशिप सी संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी ते उन्हां दी टकसाल ते फेडरेशन उस नूं पूरी तरह इंडिया ने असैसिनेट करता शहीद करता। किसे कौम दी लीडरशिप नूं इस तरह तबाह कर देना एक बहुत वड्डा जबर दुनिया दे विच समझिया जांदा है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे नाल टेबल दे उत्ते मेज दे उत्ते गलबात हो सकती सी। मैं पूछना चाहुंदा उस वेले दी हुकूमत अज दी कांग्रेस पार्टी नूं कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे नाल तुसी सिद्धी गलबात क्यों नहीं कीती। मुखर्जी साहब इंडिया दे प्रेजिडेंट रहे है उन्होंने किताब लिखी है कि असी उस कैबिनेट कमेटी दे विच हाजर सीगे जिथे फैसला लिता गया कि फौजी हमला दरबार साहब ते करना उत्थे यह भी सानू दस्या गया कि असी रवायती अकालियां दे नाल लौंगोवाल बादल टौड़े सारियां दे नाल असी गल्लां बातां कीतियां पर सानू जवाब मिलिया कि असी गद्दी दे उत्ते नहीं बैठ सकते जिन्ना चिर संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां नूं शहीद नहीं किया जाता। तो सत्कारयोग साध संगत जी उस वक्त सारी सिख कौम की रजा सारी मर्जी संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे कोले सीगे उस वेले उन्हां दे नाल गल क्यों नहीं की जाती। यह सारी बहुत सारी वड्डी गल है। मैनू तुसी कहने हो कि तैनू बहुत वड्डी मत दे नाल 1999 दे विच मैंबर पार्लीमेंट बनाया जे मैं उस वेले सिख कौम की नुमाइंदगी करता सी तां फिर इंडिया ने मेरे नाल गलबात क्यों नहीं कीती। ए फिर बादल ते जिहड़े रवायती अकाली सी उन्हां दे नाल गल्लां बातां करदे रहे जिहदे नाल टाइम गुजर गया। जे इलैक्शनां नूं साडे सिंह बॉयकॉट ना करदे सानूं इजाजत पंथ दी हुंदी
कि असी वजारत बना दिए ता सारिया गल्लां हो सकदियां सी, पर मेंबर पार्लियामेंट दे कोले पावर नहीं होया करदी। इंडिया दी पार्लियामेंट दे विच 543 मेंबर है। 1999 दे विच मेरे सने मनसा बैठे है, होर 7 मेंबर पार्लियामेंट सीगे। उत्थे बहु गिनती दे नाल फैसले कीते जांदे है। 7 बंदियां दे नाल उन्हां ने कदा फैसला करना सीगा, जिहड़ा संविधान है। तुसी देखो मैनू सारी तरफ बदनाम किया गया कि इसने टौड़ा साहब कहिंदे कि कृपान का पंगा पाता है, पर संविधान का जिहड़ा 25 दफा है वो की कहिंदा है, वो कहिंदा है कि हरेक सिख कृपान पहन सकदा, जिवें मैं गात्रे दे विच पहनी हुई है। दूजा संविधान कहिंदा कि सिख अपनी कृपान जिहड़ी हाथ च फड़दा वो किते भी लेके जा सकदा हैगा। फिर जे हिंदुत्वा ब्राह्मणवाद दी मर्जी माड़ी ना हुंदी तां मेरा मतलब है कि मैनूं पार्लियामेंट दे विच जाण दिंदे तां क्यों नहीं, जिवें मैं 1999 दे विच जा के सारियां सिखां दीआं तकलीफां सारियां सिखां दे मसले उत्थे प्रकाश कीते है, क्यों ना करदा। पर 3 वारी बादल साहब, 2 वारी अमरिंदर सिंह, इन्हां नूं कोई नहीं पुछ रहा कि तुसी इन्नी वारी चीफ मिनिस्टर रहे हो ते तुसी मसले हल क्यों नहीं कीते। अज सेंटर दे विच सरकार है बीजेपी आरएसएस दी, उहदे नाल बादल पार्टी भाईवाल है। तुहानू पता है कि इंकशाफ होए है कि टाइटलर ने 100 सिख शहीद ते कतल कीता। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं सेंटर की सरकार नूं बीजेपी नूं कि टाइटलर नूं अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, पर फिर इन्नी ताकत लेके बीजेपी दे नाल समझौता करके जे बादल दलीए अजे भी टाइटलर नूं गिरफ्तार नहीं कर सदे तां तुसीं आप दसो कि साडी सिख लीडरशिप कित्थे है। बादल साहब का ऐलान है कि दफा 25 जिहड़ी कह रही है संविधान की कि सिख हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, इस नूं असी संविधान दे विचों खत्म कर देना है। फिर जे इन्हां दी मजोरिटी पार्लियामेंट दे विच है बहु गिनती, फिर नरेंद्र मोदी ते बीजेपी बादल की गल क्यों नहीं सुनते। मेरा मतलब है कि जिन्ने भी साडे चीफ मिनिस्टर बने हैं, बेशक बरनाला होवे, बेअंत सिंह होवे, बीबी पठल होवे, हरचरण सिंह बराड़ होवे, कैप्टन होवे, बादल होवे, ये बिल्कुल कठपुतले है सेंटर दे, ये मौजी ठाकर है। इन्हां दे कोले कोई जोर नहीं है, कोई सेंटर नूं ये गल नहीं कर सकदे। इसे करके साध संगत जी असी आप जी नूं हमेशा मिन्नतां करदे रहे जी कि तुसी अकाली दल अमृतसर नूं वोटां पाओ। इत्थे बहुत जबर हो रहा है, जिहड़ियां पछड़ियां जातां जिहड़े रंगरेटे सिख है। अज जे तुसी अखबारां पढ़ो तां गुरदासपुर दे विच इक सरकारी ट्यूबवैल तों रंगरेटे सिखां नूं पाणी नहीं लैण दित्ता। सो इहो जी चीज़ जिहड़ा जातिवाद इत्थे साडे विच आ गया, इस नूं असीं तोड़ना चाहुंदे हैं। सो मैं यही कहना चाहुंदा कि आम आदमी पार्टी झाड़ू नूं वोटां पातियां, बीजेपी नूं पातियां, बादल नूं पातियां, हुण कांग्रेस नूं पातियां, हुण जिहड़ा जबर हो रहा फिर यह जिम्मेवार है। हुण जिथे सानूं आतंकवादी कहिंदे सीगे, सानूं वक्खवादी कहिंदे सीगे, हुण सानूं कहिण लग पए है कि ये क्रिमिनल हैगे है ते ये की गैंगस्टर है।
दो सिख नौजवान बठिंडे दे विच मारते, फाजिलका बोर दे तीन नौजवान सिख मारते, उन्हां दीआं मावां रोंदीआं, असीं जांदे थोड़े सूरमे जिहड़े चुप करके बैठदे आ। सुखबीर सिंह ने कहा जो कैप्टन की सरकार ने तीन हुण फाजिलका दे सिख मारे है गैंगस्टर कह के वह बिल्कुल जायज है। सो साध संगत जी आपां क्यों नहीं देखदे छाल मारन तो पहला कि असी फासला पूरा कर लवांगे कि नहीं। सिर्फ इको एक साडे विच जानवर है जिहड़ा छाल मार के वापस आ सकदा, वो हैगा लंगूर। दूसरा साडा लीडर सी सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा, वह भी छाल मार के पिछे आ जांदा, पर साथों दो चीज़ां नहीं हुंदियां हैगियां। सो जिन्ना चिर तुसी अपना मन दृढ़ता दे नाल नहीं बनाउंदे कि तुसी कित्थे जाना है, लोक राज दे विच वोट कित्थे पाउणी है, उन्ना चिर साडा सफर पूरा नहीं हुंदा। इत्थे लिंगायत धर्म दे स्वामी जी इत्थे आए हुए है, लिंगायत धर्म की आबादी 9 करोड़ है, इन्हां नूं जिहड़ी रायशुमारी जिहड़ी गिनती 1931 दे विच होई सी इन्हां नूं आजाद धर्म अंग्रेज़ां ने दस्सिया सीगा, पर 1951 दे विच जदों हिंदुत्वा गांधी दा राज आ गया इन्हां नूं हिंदू धर्म दे विच जज़्ब कराता। असीं इन्हां दे इकट्ठ दे विच जा के आए हैं ते असीं इन्हां नूं विश्वास दवाए हैं कि जिवें सिख धर्म आजाद है ये हिंदुत्वा दा हिंदू दा हिस्सा नहीं है, इस तरह तुहानूं असीं ये स्टेटस ये दर्जा दवा के रहना। हुण जिहड़ा जबर रंगरेटे सिखां दे उत्ते जिहड़े आम आदमी है जिहड़े समाज दे विच मनुस्मृति दे विच उन्हां नूं दर्ज किया गया, तुसीं ऐ ना समझो कि सिर्फ उही लोग हैं, सानूं भी मनुस्मृति दे विच मैं अपनी गल करदा मैनू भी दर्ज शूद्र किया गया है। मेरे घर दे विच उत्ती उपरी जात का ब्राह्मण रोटी कदे नहीं खाऊगा ना मैनू अपने घर दे विच खवाऊगा। सो साध संगत जी जिहड़ी सानू छोटी जात दे लोकां नू उत्ते गुरु साहब ने चखता, हुण असी किसे ब्राह्मण दी किसे अंग्रेज दी कोई भी बंदा होवे उहदी परवाह नहीं करी दी। 300 साल तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਫਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਈਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਛੀ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ RSS ਮਾੜੀ ਹੈ।
2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੇਆਮ ਉਹਦੀ ਬੇਬਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 82% ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਈ, ਰੂਸ ਦੀ ਆਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਮੰਗਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ? ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ,
उत्थे जाके उन्होंने शहीदी दिती। एक बंब ने संख मरमर की टुकड़ी तोड़ के संतां दे मत्थे दे विच वजी ते अद्धा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दा मत्था उड गया सीगा। सो साध संगत जी, जिहड़ा सिख ऐसरा सिख कौम की सेवा करे ते उस नूं साजिश करके दुश्मनों तो मरवा देना, शहीद करा देना, इदों माड़ी गल कदे हो नहीं सकती। तां मैं जदों भी भोगां ते जांदा, विआहां ते जांदा, जदों मैं देखदा कि यह जिहड़े रवैती अकाली है इन्हां ने संत जरनैल सिंह ते दरबार साहब दे उत्ते विदेशी फौजां दे हमले कीते है, तां मेरा दिल घटन लग पैंदा ते मैं हमेशा निराश हुंदा कि इहो जिहे बंदे सिखां दे घर दे विच किवें जन्म लेंगे। सो यह सारी दास्तान है। हुण अगे अपना प्रोग्राम है कि असी जिहड़े लोकां नूं साडे वर्गन बराबरी नहीं है उन्हां नूं सारे इंडिया दे विच बराबरी दिवाउणी है, बेशक वह कबीले होण, बेशक वो लिंगायत होण, बेशक मुसलमान होण, बेशक अपने ईसाई होण, कोई भी होवे, अपने रंगरेटे सिख होण, सारिआं नूं आपां ने बराबर देनी है। ते अज तो तुसीं प्रण करो कि जिन्ने भी रंगरेटे सिख अपने पिंडां दे विच हैगे है उन्हां नूं तुसीं छाती नाल ला के प्यार करोगे। आदिवासी भी जो भी है, आपां छोटियां तो उत्ते उठे हुए हैं, हुण छोटियां नूं उत्ते अपने भरा बन के बनाइए। यही मेरा अज दा संदेश है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दा, सारे ग्रुपां दा जिहड़े जिहड़े इत्थे आए है, बाबा चांदपुर साहब सारे आए है, सोहाली साहब, सारिआं दा मैं बहुत ऋणी है। ते आस करदा कि हुण सारे जिले जथेदारां ने तुसीं जिहड़ा ये प्रोग्राम कामयाब कीता, हुण तुसीं घरों घरी जाओगे ते आजादी की गल हमेशा सिर ते रखोगे खालिस्तान की। हुण साडे अकाल तख्त दे जथेदार 5 मिनट तुहाडे नाल गल करनगे, उदों बाद समाप्ति होगी, उन्हां नूं सुन के जरूर जाणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है संगत जी। प्रधान साहब जी ने आप जी नूं बेनती की है, मैं बेनती करदा सिंह साहब अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार साहब सिंह साहब गैन भाई ध्यान सिंह जी मन जी नूं कि वह आके संगतां नूं संबोधन होण। उस तो बाद जिहड़ी इस प्रोग्राम दी